बैक टू माय चैनल। आज बच्चों का बहुत मन था कि मूवी देखी जाए। अब लॉकडाउन में मूवी देखने तो कहीं जा ही नहीं सकते, लेकिन मूवी का एनवायरनमेंट पूरा चाहिए बच्चों को, तो सोचा क्यों नहीं टीवी पे एक अच्छी सी मूवी चला देते हैं। और थोड़ा लाइट्स वाइज डिम कर दी, कोल्ड ड्रिंक थे नहीं घर में, तो बच्चों को आम बना दिया पीने के लिए और खाने के लिए। फिर पॉपकॉर्न तो चाहिए, मूवी बिना पॉपकॉर्न के तो मूवी हो ही नहीं सकती। फिर सोचा चलो पॉपकॉर्न घर में ही बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉपकॉर्न बनाना। पॉपकॉर्न के लिए हमें चाहिए थोड़े से कॉर्न। बस आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो अपने मक्की के दाने लिए हैं ये थोड़े येलो होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, नहीं तो पॉप नहीं करेंगे प्रॉपरली। थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा सॉल्ट। मैंने बताया ना आपको, मेरी डॉटर को थोड़ा तीखा पसंद है, तो पेरी पेरी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पेरी पेरी पॉपकॉर्न। तो पेरी पेरी मसाला, बस कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए ही नहीं। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करके इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। थोड़ा सा बटर, क्योंकि बटर कॉर्न है, पॉपकॉर्न है, बच्चों को खिलाने हैं बटर पॉपकॉर्न। इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ये बटर पिघलने लग गया है, पहले हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। ये हाई फ्लेम पे है बटर। जब हमारा पूरा पिघल जाए अच्छी तरह, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पॉपकॉर्न। ये जस्ट 2 टेबलस्पून हमने कॉर्न लिए हैं, ये 2 टेबलस्पून कॉर्न हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। और ये देखना है कि ये कॉर्न हमारे अच्छे से डिप हो जाए ऑयल में, एक दूसरे के ऊपर ना रहे और ये अच्छे से डिप हो जाए। गैस हम अब फुल फ्लेम पर ही रखेंगे और हम थोड़ा सा इनको हिला देंगे और वेट करेंगे कि ये हल्का सा पॉप करना शुरू करें। जब जैसे ही हल्का सा पॉप करना शुरू करेंगे तब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, थोड़ा और पेरी पेरी मसाला, ये थोड़ा सा इसका तीखा फ्लेवर देगा। हम इनको अच्छे से चला देंगे। जैसे ही पहला कॉर्न हमारा पॉप करना शुरू करेगा हम ढक्कन लगा देंगे। इसके लिए हमें विसिल रिमूव करनी है और रबर रिमूव करनी है। विसिल और रबर दोनों हमें नहीं लगाने हैं और वेट करना है कि ये पॉप करना शुरू करे। जैसे अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे कर देंगे गैस को, थोड़ा हिलाते रहेंगे। जब एक कॉर्न हमारा हल्का सा पॉप होना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम कुकर बंद कर देंगे। अब आवाज़ आनी शुरू हो गई ना, ये देखिए हल्का हल्का पॉप शुरू हो गया। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे। तो हम 2 मिनट वेट करेंगे। कुकर बंद कर दिया है, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एक दो बार हिला देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा आप अपने फेस को थोड़ा बचा के रखिए, क्योंकि जब फर्स्ट पॉप करता है कई बार कॉर्न बाहर आ जाता है, कई बार बटर बाहर आ जाता है हल्का सा, तो अपने फेस को बचा के रखिए। बस सिर्फ 2 मिनट के लिए अब हमने कुकर को बंद रखना और बीच बीच में हमने कुकर को हिलाते रहना है। बस ये पॉपिंग साउंड आनी बंद हो गई है और अब हम कुकर खोल लेंगे। गैस बंद करने के बाद कुकर खोल लेंगे। जस्ट अभी भी हल्का हल्का पॉप करेगा तो अपने आप को बचा के रखना है। ये देखिए हमने जस्ट 1 स्पून 1.5 स्पून कॉर्न डाला था और एकदम बढ़िया हमारे पेरी पेरी पॉपकॉर्न्स रेडी हैं। अब हम इनको बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे। हो सकता है नीचे 1-2 दाना बच भी, देखिए कैसे पॉप कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि नीचे अभी हीट है ना और 1-2 दाना बचा भी है, तो अपने फेस को हाथों को बचा के रखिए। कभी कभी 2-4 दाने नीचे रह जाते हैं तो ज़्यादा ध्यान से करिएगा। बस अगर आपको प्लेन पॉपकॉर्न बनाने हो तो आप पेरी पेरी मसाला मत डालिए, और आपको थोड़ा कलर देना हो बिल्कुल मार्केट वाला तो आप येलो हल्दी डाल दें, तो आपके
बढ़िया से पॉपकॉर्न रेडी हो जाएंगे 2 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स हमारे पॉपकॉर्न रेडी है। ये पेरी पेरी पॉपकॉर्न है, इसलिए इनमें येलो कलर नहीं है, ये बटर पेरी पेरी पॉपकॉर्न है। अब ट्राई करिए इस रेसिपी को जरूर और बताइए मुझे कमेंट करके कि आपके पॉपकॉर्न्स कैसे बने और बच्चों को मूवी का मजा दें। इफ यू लाइक माई चैनल और इफ यू लाइक माई रेसिपीज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।